आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोग जे मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग क्या कर रहा है कि लेट ए वन इक्वल टू वन के बराबर दे रखा है और ये जो ए टू है ना ए टू ए थ्री ए फोर डॉट 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 ये आपने क्या क्या है ये सारे कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है। ये हमने करिए आपने क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सारे क्या है कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है। देन टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस ए वन ए टू प्लस टाइम्स टेन इनवर्स वन अपॉन ए वन प्लस ए टू ए थ्री डॉट 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 टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस ए ट्वेंटी वन इंटू ए ट्वेंटी टू। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो नेचुरल नंबर है ये आपने क्या क्या है ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा डॉट 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 आपने क्या कहाँ तक ए एन तक ये सारे आपने क्या कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है। ठीक है जब ये कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है तो आपने क्या दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा वन होता है यानी ए टू माइनस ए वन इक्वल टू वन हो जाएंगे। ठीक है यहां से सिमिलरली आपने क्या ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू वन हो जाएंगे ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल टू वन हो जाएंगे डॉट 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 ए एन माइनस ए एन माइनस वन इक्वल टू वन हो जाएंगे। ठीक है तो जब कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है तो सारे का डिफरेंस आपने क्या किसके बराबर है वन के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या कीजिए इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए तो टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस ए वन ए टू इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे तो यहां से देखिए टेन इनवर्स वन अपॉन ये आपने क्या आ जाएंगे वन अपॉन ये आ गया वन प्लस ए वन ए टू। अब देखिए ए टू माइनस ए वन इक्वल टू वन है और ए टू ए वन तो यहां से ए टू माइनस ए वन लिख सकते हैं वन की जगह यहां से आपने क्या क्या है ए टू माइनस ए वन कितना है वन के बराबर। जब ये वन के बराबर तो ये आपने क्या किस तरह आ जाएगा टेन इनवर्स ए टू माइनस टाइम्स टेन इनवर्स ए वन के बराबर। सिमिलरली आपने के पास दूसरा क्या दे रखा है तो टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस ए टू ए थ्री इक्वल टू आपने क्या किस तरह दे रखा है तो टेन इनवर्स वन की जगह आपने क्या लिख दीजिए यहां से ए थ्री माइनस ए टू यही हम क्यों लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे आपने क्या ये दे रखा है तो वन प्लस ए टू इंटू ए थ्री के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आगे आपने किस तरह टेन इनवर्स ए थ्री माइनस ए टेन इनवर्स ए टू के बराबर। सिमिलरली यहां से आपने क्या डॉट 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 अगला आपने क्या किसके बराबर है तो टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस किसके बराबर दे रखा है तो ए 2021 और 2022 तो वन अपॉन 2021 और ये आगे सही तो लिख रहे थे 2021 और ए 2022। ठीक है ये आपने क्या किसके बराबर जाएंगे तो यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये आगे आपने क्या टेन इनवर्स ए 2022 माइनस ए 2021 और अपॉन में आपने किस पर आ जाएगा वन प्लस ए 2021 इंटू ए 2022। ठीक है इक्वल टू आपने क्या किस पर आ जाएगा तो टेन इनवर्स ए 2020 किसके बराबर तो टू के बराबर और माइनस टाइम्स टेन इनवर्स ए 2021 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं ये 2022 माइनस 2021 के बराबर यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से आपने क्या ए टू माइनस ए वन है तो यहां से आपने क्या ए टू का वैल्यू निकाल लीजिए तो ए टू आपने क्या किसके बराबर जाएंगे तो ए टू माइनस ए वन तो यहां से गौर से देखिए तो ए वन का वैल्यू वन है तो यहां से आप इनके पास सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं ए टू आपने क्या किसके बराबर टू के बराबर। सिमिलरली यहां से ए थ्री आपने क्या किसके बराबर थ्री के बराबर इस टू का वैल्यू यहां पर डाल दीजिए कहां पर डालना है टू का वैल्यू इस टू का वैल्यू इसकी जगह डाल दीजिए फिर इस ये थ्री ए थ्री का वैल्यू यहां पर डाल दीजिएगा तो यहां से ए थ्री आ जाएगा थ्री है किसके बराबर जाएंगे सॉरी ए थ्री नहीं ए फोर अभी काम आएगा इसलिए हम लिख रहे हैं ए फोर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे फोर के बराबर। ऐसे ही यहां पर आपने क्या आ जाएंगे ए 2021 आए 22 आ जाएंगे एक तो 2022 आ जाएंगे जो कि आपने के पास 2022 माइनस ए 2021 और एक आ जाएंगे अपने के पास ए 2020 और माइनस टाइम्स ए 2021 ये 20 यहां पर होगा और 21 यहां पर होगा। ठीक है इक्वल टू आपने किस तरह यहां से सॉल्व किया तो ए 2021 आ जाएंगे किसके बराबर 2021 के बराबर और यहां से आपने के पास ए 2000
इक्वल टू 2022 के बराबर। ये कैसे आ गया, देखिए ये जो हमने कहा A1 हमने कहा किसके बराबर, 1 के बराबर। ये A1 यहां पर 1 डालेंगे तो हमने कहा A2 माइनस 1 इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। तो माइनस 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस 1, तो इतना आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए ओरली। तो ये आ गया हमने कहा A2022 हमने कहा किसके बराबर हो गया 2022 के बराबर, और 2021 किसके बराबर दिया 2022 के बराबर। क्यों हम लिखे, अभी काम आएगा। यहां पर देख लीजिए, अब हमने कहा गौर से देखिए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे हमने कहा ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बीच वाले जितने भी पड़ेंगे सारे कैंसिल आउट। तो हमने कहा ये और ये बच जाएंगे, यानी हमने कहा सारे का जो सम हो जाएंगे, यहां से सम कीजिएगा तो हमने कहा किसके बराबर आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स A2022 और माइनस टाइम्स A1 के बराबर, टेन इनवर्स A1। देखिए अपने कहा A1 किसके बराबर है, तो 1 के बराबर, ठीक है। और A2022 अपने कहा किसके बराबर है, तो 2022 के बराबर। तो यहां से सॉल्व किया तो यहां से अपने कहा सारे का जो सम आ जाएंगे वो अपने कहा टेन इनवर्स 2022 के बराबर है, माइनस टाइम्स टेन इनवर्स किसके बराबर जाएंगे, 1 के बराबर, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लिया तो ये आ गया हमने कहा 10 इनवर्स 2022 और माइनस टाइम्स ये आ गया हमने कहा 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 का वैल्यू ही डाल दीजिए ना डायरेक्ट, पाई बाय 4 के बराबर। यही आपने कहा क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आपने कहा ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो 10 इनवर्स 2022 माइनस पाई बाय 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी तो है ही, ऑप्शन नंबर ए भी मैच करा है। कैसे मैच करा वो हम आपको दिखा देते हैं, ये बार मल्टीपल चॉइस आंसर हो जाएंगे एक तरह से देखा जाए तो इसको क्या ले सकते हैं, पाई बाय 2 और माइनस टाइम्स 10 इनवर्स पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 2022 लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको, और माइनस टाइम्स पाई बाय 4 यहां से आ जाएंगे, पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 जाएगा तो पाई बाय 4 आ जाएंगे, और माइनस टाइम्स कॉट इनवर्स 2022 के बराबर। यानी अपने पास ये भी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस आंसर में शायद होंगे, ये मीन्स में खैर एमसीक्यू तो आते नहीं डबल वाले मल्टीपल, ठीक है। खैर अपने पास चलिए ए भी आंसर हो जाएंगे, ए भी अपने पास ऑप्शन में दे रखा, बी भी, ए में अपने पास करेक्शन कर लीजिएगा, अगर यहाँ पर पाई बाय 2 रहता तो चलो नहीं होते, लेकिन अपने पास दे रखा है तो चलिए ए और सी दोनों अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने के पास जे मेन्स के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है और स्टेट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।